जी, तो हमारे बैंगन रेडी हो गए थे। जैसे ही उन्होंने ऑयल छोड़ा आलू बैंगन ने, मैंने उसको डिश आउट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रायान्स किचन। सर कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही सादा सी रेसिपी, एज़ यूजल यू नो दैट आई मेक वेरी सिंपल फूड, जो अज्जा मोस्टली घर से मिल जाते हैं, मैं उन्हीं का खाना बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए आलू बैंगन। आलू बैंगन आप बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना रेसिपी की तरफ आते हैं। ये तो इसके अज्जा में शामिल हैं, मैंने लिए हैं आलू। आलू मैंने आधा किलो लिए हैं, जो मैंने क्यूब में कट करके पानी में भिगो के रख दिए थे। ये हैं बैंगन। बैंगन मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो, और इनको मैंने नमक और पानी डालकर एक बाउल में, उसमें मैंने इनको भिगो दिया ताकि ये काले ना पड़े। एक्चुअली ये काले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको भिगो कर रखना पड़ता है। और भिगो के रखने से जब हम खाने में बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, यही पानी हमारे खाने में काम आता है। ये टिप ऑफ द डे है। इसके साथ साथ हमें जो मसाला चाट लेने हैं, उसमें शामिल है नमक 1.5 टीस्पून, किसी भी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, सूखा धनिया 1.5 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। इसके साथ साथ हमें प्याज चाहिए, तकरीबन मीडियम प्याज मैंने लिए हैं 3, लेकिन मैं इसमें से जो मुझे सूटेबल लगा ज़्यादा बेटर, आई थिंक ये 2 सही रहेंगे। और इसके साथ साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर मैंने इसमें डालने हैं। और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने यहाँ बना कर रखा हुआ है, तकरीबन 3 हरी मिर्च का पेस्ट बना हुआ है, ये आपने डालना है। इसके साथ साथ लेमन चाहिएगा इसमें खटास के लिए, और हरा धनिया चाहिएगा गार्निशिंग के लिए, और हमने लिए है यहाँ पर सिर्फ अदरक, लहसुन नहीं डालना है इसमें, आपने अदरक लेनी है 1 टेबल स्पून। ये तमाम हमारे अज्जा हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। 1/2 कप ऑयल के बाद मैंने अपने जो दो मीडियम प्याज थी, एक बड़ा प्याज ले लें या 2 मीडियम प्याज ले लें, वो मैंने इसमें स्लाइस करके अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसको लाइट गोल्डन करेंगे, लाइट गोल्डन हमने ब्लैकिश में नहीं, लेकिन है ना लाइट गोल्डन करेंगे, क्योंकि सब्जियों के लिए जो कलर प्याज का मोस्टली होता है वो थोड़ा लाइटिश फॉर्म में होता है। सो इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक का जो पेस्ट हमने ऐड रेडी करके रखा हुआ है, वो डालेंगे। सो हम इसके गोल्डन होने का वेट करते हैं। जब तक आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरी कुकिंग सिंपल और अच्छी लगे आपको, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी अच्छी रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके जैसे ही बने। सो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लाइट गोल्डन ऐसा करते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये तो प्याज हमारा प्यारा सा लाइट गोल्डन सा हो गया। अब इसमें डालेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का सॉरी पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, और ये कुछ ज़्यादा ही तड़कने लगा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा मसाला मज़ीद जलने से बच जाए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी अपना जो टमाटर हैं और मसाला जात। ये मैंने टमाटरों के अंदर ही अपने तमाम मसाले ऐड कर दिए जो मैंने अब इसके अंदर डाल दिए हैं, जो मैंने आपको सारे लिस्ट आउट करके बता दिए हैं, सब अज्जा लिखवा दिए हैं, वही तमाम अज्जा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए अपने मसाले को अच्छे से भूनने के लिए। इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी अपना हरी मिर्चों का पेस्ट, इसके अंदर जो मैंने 3 मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया इसके अंदर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का डालकर इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ और मसाला भी अच्छे से बन जाए। जी तो मसाला हमारा माशाल्लाह अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने उसको मिक्स करके एक जान कर लिया है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम अपने जो आलू हैं वो भी इसमें डालेंगे, और जो बैंगन हम लिए हैं काट के रखे हैं भिगो के पानी में, वो भी इसमें डालेंगे। जी तो बैंगन और आलू दोनों मैंने इसमें अपने डाल दिए हैं, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा सा ये भरा भरा लग रहा है, बस जैसे ही बैंगन को आँच लगेगी बैंगन नरम होने लग जाएगा और हमें स्पेस अच्छी मिल जाएगी। सो मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो सब्ज़ी पर अच्छा सा कोट हो जाए, अच्छा सा जज्ब हो जाए। ये देखें आप, मेरे मसाला जो है वो तमाम सब्ज़ी पे अच्छे से कोट हो गया है, और ये स्पैचुला का काम नहीं था, इसके लिए लड़ने के लिए मेरे चमचे ने ही काम किया। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो तह में जो ये पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये वही पानी है जो हमने सब्ज़ी को जिसमें डिप किया था, मतलब वो मैंने डाला नहीं है इसमें, लेकिन जो सब्ज़ी ने एब्जॉर्ब किया था अपने अंदर, ये वही पानी अब आँच की वजह से बाहर आ रहा है। सो इसी में इंशाल्लाह हमारे बैंगन अच्छे से गल जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो 1 अदद कप पानी का इसमें डाल दूंगी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इसी दम में अच्छे से सब्ज़ी हमारी पक जाएगी मज़ेदार सी, और ये बहुत मज़े के होंगे, आप यकीन जाने आप ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और मेरी अम्मी को बहुत पसंद थे ये आलू बैंगन, और ये उन्हीं की डिश है, और उन्हीं मुझे भी पहले शायद बचपन में पसंद नहीं थे, लेकिन मेरी अम्मी जो बनाती थी ना कमाल का बनाती थी, और हम जो थे वो बहुत शौक से खाते थे।
सो आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी। तो आप ये देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा पानी, मैंने एक भी बूंद पानी के नहीं डाली इसमें, अपना ऑलरेडी पानी जो है वो सब्ज़ी का आ रहा है जिससे सब्ज़ी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी, फ़िलहाल मैं कोई पानी नहीं डाल रही, तो इसी पे इसको दम पे छोड़ देते ताकि हमारे बैंगन और आलू दोनों अच्छे से गल जी। तो हमारे बैंगन रेडी हो गए थे, जैसे ही उन्होंने ऑयल छोड़ा आलू बैंगन ने, मैंने उसको डिश आउट कर लिया। मुझे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने आधा कप पानी थोड़ा सा डाला था इसके अंदर, पर आधे से भी कम डाला था ताकि मसाला जले नहीं और हांडी मारी जले नहीं। लेकिन हमारे माशाल्लाह बैंगन और आलू बहुत अच्छे से बन गए हैं और गल भी गए हैं बहुत अच्छे से माशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें और आप पसंद करें तो कांडी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बैंगन की तासीर गर्म है इसलिए मैंने इसके साथ लस्सी भी सर्व की है, सो आप भी लस्सी बना सकते हैं। और कांडी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।